क्या आपको पता है कि चंदन के पेड़ से इतने जहरीले सांप क्यों लिपटे होते हैं और पेड़ पर सांपों के होने के बावजूद चंदन की लकड़ी को कैसे काटा जाता है और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक फेसबुक फोटो लाइक करने पर एक आदमी को 32 साल के लिए जेल में क्यों डाल दिया गया और क्या आपको पता है कि एक ऐसा पक्षी जो पक्षी होने के बावजूद भी नहीं उड़ सकता। मिलेगा सबका जवाब, बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 7, डेनमार्क में एक ऐसा स्टोर है जहां जाने के लिए आपको स्माइल करना पड़ेगा क्योंकि स्माइल करने पर ही यहां का दरवाजा खुलता है। नंबर 6, एक फेसबुक फोटो लाइक करने पर हुई 32 साल की जेल। जी हां, दरअसल थाईलैंड में एक शख्स ने थाईलैंड के किंग की फोटो को लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर उसका एक मीम बना डाला। अरे नहीं नहीं, इसने नहीं बनाया बल्कि इस बेचारे ने तो सिर्फ इस फोटो को लाइक किया था और फोटो को लाइक करते ही उसके घर पुलिस आ गई और उसे 32 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थाईलैंड में कोई भी शख्स किसी भी सरकारी अधिकारी का मजाक नहीं उड़ा सकता और बात अगर किंग की हो तो हाल आपने देख ही लिया है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में तूना रामानामी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में मछली के गलफड़ों में रस्सी बांधी जाती है और उसे जोर जोर से हवा में घुमाकर दूर फेंका जाता है। जिसकी मछली सबसे दूर जाती है वही विजेता होता है। नंबर 4, कीवी वैसे तो एक पक्षी है लेकिन ये पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं सकता क्योंकि इनके पर बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। कीवी एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन में ठीक से दिखाई नहीं देता। दिन में ये सिर्फ 2 फुट तक ही देख पाते हैं और रात के वक्त ये 7 फुट तक देख सकते हैं। इसीलिए दिन में ये बिलों में सोते हैं और रात को भोजन की तलाश में निकलते हैं और कीवी पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। नंबर 3, इस पेंटिंग को जरा गौर से देखिए और बताइए कि अगर आप इस पेंटिंग के मालिक होते तो आप इसे कितने में बेचते। आपके मुताबिक जितना भी अमाउंट हो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है और इस पेंटिंग को एक ऑक्शन में 45.03 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए में दुबई के प्रिंस सलमान ने खरीदी है। ये पेंटिंग इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि इसे खुद लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था और ये पेंटिंग लियोनार्डो द विंसी की बनाई गई 30 पेंटिंग्स में से एक है। नंबर 2, टेक्सास की रहने वाली आयाना विलियम के पास दुनिया के सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इतने लंबे नाखून होने के बावजूद भी ये अपने नाखूनों को पेंट करना नहीं भूलती और इन्हें अपने नेल्स को पेंट करने के लिए 30 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है और इतने लंबे नाखून करने के लिए आयाना को 20 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। नंबर 1, क्या आपको पता है कि चंदन के पेड़ पर तरह तरह के जहरीले सांप आखिर क्यों होते हैं और फिर सांप की मौजूदगी में ही चंदन की लकड़ियों को आखिर कैसे काटा जाता है? तो सुनिए, लोगों का ये कहना है कि सांप चंदन की खुशबू से आकर्षित होकर चंदन के पेड़ से लिपटते हैं लेकिन वैज्ञानिक ये बात पहले ही साबित कर चुके हैं कि सांपों में सूंघने की शक्ति नहीं होती। ये अपनी जीभ को अंदर बाहर करके ठंडे और गर्म वातावरण का पता लगाते हैं। ऐसे ही वो कुएं और तालाबों को भी ढूंढ कर अपने भोजन तक पहुँचते हैं। दरअसल सांप अंधेरे और ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए वो गर्मी के मौसम में या तो जमीन के नीचे रहते हैं या फिर चंदन के पेड़ पर रहते हैं। सांप ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्यादा गर्मी पड़ने पर सांप खुद को ठंडा रखने के लिए चंदन के पेड़ के निचले हिस्से में लिपटे रहते हैं क्योंकि ऊपरी हिस्से की तुलना में चंदन के पेड़ का निचला हिस्सा काफी ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन अगर चंदन की लकड़ी पर इतने सांप होते हैं तो आखिर लकड़ी को काटते कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब चंदन की लकड़ी को काटना होता है तो उसे पहले ऊपर से काटा जाता है, फिर पेड़ के निचले हिस्से को सांपों से बचते हुए बड़ी सावधानी के साथ काट लिया जाता है। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।